नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का पाठ वन समाज और उपनिवेशवाद। चलिए जानते हैं आज हम क्या क्या सीखेंगे। पहले हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद के दौरान जंगलों को क्यों काटा गया और उन्हें बागान में कैसे बदला गया। फिर हम देखेंगे कि भारत में वैज्ञानिक वानिकी कैसे शुरू हुई और लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम बस्तर और जावा में वन विद्रोह के बारे में जानेंगे और अंत में युद्ध का वनों की कटाई पर क्या प्रभाव पड़ा। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उत्पादों का उपयोग करते हैं जो जंगल से प्राप्त होते हैं, जैसे किताबें, टेबल, कॉफ़ी, चाय, रबर। अमेजन के जंगलों और पश्चिमी घाटों में पौधों की 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। औद्योगिकीकरण की अवधि के दौरान खेती, चारागाह और औद्योगिक उपयोग के लिए बहुत सारी वन भूमि को साफ कर दिया गया। इस वजह से यह विविधता तेजी से नष्ट हो रही है। उपनिवेशिक शासन के तहत वनों की कटाई अधिक व्यवस्थित हो गई। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही थी, भोजन की मांग भी बढ़ रही थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान सरकार ने पेड़ काटने और चीनी, कपास और गेहूं जैसी व्यावसायिक फसलों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। वे वन भूमि को अनुत्पादक मानते थे और खेती के तहत भूमि को लाना चाहते थे ताकि यह राज्य की आय को बढ़ा सके। ब्रिटेन में ओक के पेड़ों की कमी हो रही थी। शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति कम हो रही थी, इसलिए मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत के वन संसाधनों की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही भारत में पेड़ों को बड़ी मात्रा में काटा जा रहा था और भारत से निर्यात किया जा रहा था। व्यापार के लिए रेलवे आवश्यक था। रेलवे नेटवर्क के प्रसार ने भी लकड़ी की मांग बढ़ा दी। लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा था। रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए लकड़ी का उपयोग स्लीपर्स के रूप में किया जा रहा था। रबर, कॉफ़ी और चाय जैसी सामान्य वस्तुओं की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए वनों के बड़े क्षेत्रों को काटा जा रहा था और उन्हें बागान में परिवर्तित किया जा रहा था। सरकार ने जमीन पर कब्जा कर लिया और सस्ते दर पर बागान मालिकों को जमीन बेच दी। अंग्रेज चिंतित थे कि स्थानीय लोगों द्वारा वनों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की लापरवाह कटाई से वनों का विनाश होगा, इसलिए उन्होंने सलाह के लिए एक जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिश ब्रांडिस को आमंत्रित करने का फैसला किया और उन्हें भारत का पहला वन महानिदेशक बनाया। ब्रांडिस ने महसूस किया कि पेड़ों की कटाई और चराई को प्रतिबंधित करना होगा ताकि लकड़ी के उत्पादन के लिए जंगलों को संरक्षित किया जा सके। इसलिए ब्रांडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को तैयार करने में मदद की। वैज्ञानिक वानिकी में प्राकृतिक वन, जिनमें बहुत से विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है और उनके स्थान पर सीधी पंक्तियों में एक प्रकार के पेड़ों को लगाया जाता है। उन्होंने योजना बनाई कि हर साल कितने वृक्षारोपण क्षेत्र में कटौती की जाएगी। तब क्षेत्र में कटौती की गई थी ताकि इसे कुछ वर्षों में फिर से काट दिया जा सके। सर्वश्रेष्ठ जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता है। ग्रामीण इन जंगलों से कुछ भी नहीं ले सकते थे, यहाँ तक कि अपने स्वयं के उपयोग के लिए भी नहीं। ग्रामीण लोग चाहते थे कि जंगल में पेड़ों की प्रजातियों का मिश्रण हो, इससे उनकी ईंधन, चारा और पत्तियों की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी हो सके। वन विभाग ऐसा नहीं चाहते थे। वन अधिनियम का मतलब देश भर के ग्रामीणों के लिए कठोर कष्ट था। अधिनियम के बाद उनके घरों के लिए लकड़ी काटने और अपने मवेशियों को चराने, फल और जड़े इकट्ठा करने,
शिकार करने और मछली पकड़ने जैसी रोजमर्रा की प्रथाएं अवैध हो गई। लोग अब जंगलों से लकड़ी चोरी करने के लिए मजबूर थे, और अगर वे पकड़े जाते तो वे वन रक्षकों की दया पर थे जो उनसे रिश्वत लेते थे। उपनिवेशवाद ने जूम की खेती की पारंपरिक प्रथा को प्रभावित किया जो दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित थी। जूम खेती में जंगल के कुछ हिस्सों को काटकर जला दिया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद राख में बीज बोया जाता है और फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर तक की जाती है। इस तरह के भूखंडों की खेती कुछ वर्षों के लिए की जाती है और फिर 12-18 साल तक जंगल में वापस उगने के लिए छोड़ दिया जाता है। यूरोपीय वनवासी इस प्रथा को जंगलों के लिए हानिकारक मानते थे। उन्होंने महसूस किया कि हर वर्षों में खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि रेलवे लकड़ी के लिए पेड़ नहीं बढ़ा सकती। जब एक जंगल जलाया जाता है तब आग की लपटें फैलने का भी खतरा रहता है। जूम की खेती ने सरकार के लिए करों की गणना करना भी कठिन बना दिया था, इसलिए सरकार ने जूम खेती पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। वन कानूनों से पहले जंगलों में या जंगलों के आसपास रहने वाले कई लोग शिकार से अपना जीवन यापन करते थे। यह प्रथा वन कानूनों द्वारा निषिद्ध थी। जो लोग शिकार करते पकड़े जाते थे उन्हें अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाता था। भारत में बाघों और अन्य जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबार और कुलीनता की संस्कृति का हिस्सा था। अंग्रेजों ने बड़े जानवरों को जंगली आदिम के रूप में देखा। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर अंग्रेज भारत को सभ्य बना सकते हैं। बहुत वक्त बाद पर्यावरण संरक्षकों ने यह तर्क देना शुरू किया कि जानवरों की इन सभी प्रजातियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। कई लोगों की आजीविका नए वन कानूनों की वजह से चली गई थी। कुछ लोगों को नए अवसरों से लाभ हुआ जो व्यापार में खुल गए थे। भारत में वन उत्पादों में व्यापार नया नहीं था। आदिवासी समुदाय घुमंतू समुदायों के माध्यम से खाल, सींग, रेशम, बांस, मसालों जैसे सामानों का व्यापार करते थे। व्यापार पूरी तरह से सरकार द्वारा विनियमित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी व्यापारियों को वन उत्पादों में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। कई देहाती समुदायों जैसे कि कोरवा, करचा और येरुकुला ने अपनी आजीविका खो दी। लोगों को सरकारी पर्यवेक्षण के तहत कारखानों में और बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। काम के नए अवसरों का मतलब हमेशा लोगों के लिए भलाई में सुधार नहीं था। भारत के कई हिस्सों में वन समुदाय ने उन परिवर्तन के खिलाफ विद्रोह किया जो उन पर लगाए जा रहे थे। इन आंदोलनों के नेता जैसे छोटा नागपुर के बिरसा मुंडा या आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू को आज भी गीतों और कहानियों में याद किया जाता है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे ऐसे ही एक विद्रोह की जो बस्तर राज्य में हुआ था। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है और उसकी सीमा पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। बस्तर में कई तरह के समुदाय रहते हैं जैसे मारिया और मूरिया गोंड, धुरवास, भतरस और हलबस। वे सामान्य रीति रिवाजों और मान्यताओं को साझा करते हैं। उनका मानना था कि उन्हें उनकी जमीन धरती से मिली है और ये उनका फर्ज है कि वो उस धरती की रक्षा करें। बस्तर के लोग वन कानूनों के कारण चिंतित थे। उन्हें आरक्षित भूमि पर रहने की अनुमति दी थी लेकिन उन्हें वन विभाग के लिए काम करना था। वे उच्च किराए और मुफ्त श्रम से पीड़ित थे। गांव निठाना से गुंडाधुर आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे। आम की झाड़ियाँ, धरती, मिर्च और तीरों की एक गांठ गांवों के बीच घूमने लगी। ये वास्तव में ग्रामीणों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए आमंत्रित करने का संदेश था। बाजारों को लूट लिया गया, अधिकारियों और व्यापारियों के घरों, स्कूलों, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया और लूट लिया गया। जिन लोगों पर हमला किया गया उनमें से अधिकांश किसी तरह
से औपनिवेशिक राज्य और उसके दमनकारी कानूनों से जुड़े थे। ब्रिटिश सेना ने क्षेत्र की घेराबंदी कर ली और विद्रोह को दबा दिया। नियंत्रण हासिल करने में उन्हें 3 महीने लगे। जावा अब इंडोनेशिया में चावल उत्पादक द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन एक बार यह ज़्यादातर जंगलों से आच्छादित था। डच यहाँ औपनिवेशिक सत्ता थी। अंग्रेजों की तरह वे जहाज के निर्माण करने के लिए जावा से लकड़ी चाहते थे। यह अब जो मैदानों में कई गांव थे, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले और जूम खेती का अभ्यास करने वाले कई समुदाय भी थे। जावा के कला कुशल लकड़हारे और झूम खेती करने वालों के समुदाय थे। उनकी विशेषज्ञता के बिना सागौन की फसल और राजाओं के लिए अपने महलों का निर्माण करना मुश्किल होता। डच ने उन्हें अपने अधीन काम करने की कोशिश की। जोहान में एक डच किले पर हमला करके कलांग ने विरोध किया, लेकिन उनके विद्रोह को दबा दिया गया। सागौन वन गांव के सुरुंटको समीन जंगल के राज्य स्वामित्व पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य ने हवा, पानी, पृथ्वी और लकड़ी का निर्माण नहीं किया था, इसलिए वे इसके मालिक नहीं थे। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन विकसित हुआ। 3,000 परिवार उनके विचारों से सहमत थे। जब डच अधिकारी सर्वेक्षण करने आते थे, तब लोग भूमि पर लेटकर विरोध जताते थे और अन्य लोग कर और जुर्माना देने से इनकार कर देते थे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध ने वनों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। भारत में जंगलों को जंग की मांगों को पूरा करने के लिए काटा जा रहा था। जावा में इससे पहले कि जापानी सेना क्षेत्र पर कब्जा कर लेती, डच उपनिवेशवादियों ने लकड़ी को जला डाला ताकि वह जापानी हाथों में ना पड़े। चलिए देखते हैं आज हमने क्या सीखा। हमने देखा कैसे औपनिवेशिक शासन के दौरान वन लोगों के जीवन में विभिन्न परिवर्तन आए, कैसे उनकी भूमि उनसे छीन ली गई और औपनिवेशिक शासन के लाभ के लिए उपयोग में लाई गई। हमने वनवासियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने और वन्यजीविक वानिकी के उदय के लिए कानूनों में बदलाव देखे, और अंत में हमने भारत और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में विभिन्न विद्रोहों के बारे में सीखा। आज हमने दो नए शब्द भी देखे। पहला है झूम खेती, जो कि एक पुरानी कृषि पद्धति है। दूसरा है स्लीपर, यह लकड़ी के तख्त हैं जो रेल की पटरियों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।